अली भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे यार इट्स टाइम फॉर आवर आइटल सेल्फी मोमेंट, जो थोड़ी रोशनी में बहुत अच्छी सेल्फी लेता है। ऑडियंस से चीज यस, हमारी सेल्फी हो गई। क्या बात, हमारी सेल्फी हो गई। हाय, चले हमें कल के मैच भी बात करनी है। कल लाहौर कलंदर का मैच है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्विकली दो और मैं आपको पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सियासत पे तो बात कर ली, अब उतना ज्यादा आपको नहीं फंसाएंगे। आपने ये बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट को स्टार कौन रहा है, इनके साथ आपने काम किया है, बताइए जी। इकरा अजीज, आयजा और उमर, आयशा उमर, आयजा खान। आयजा खान, ओके। बड़ा आसान था ये आपके लिए, बड़ा आसान आसान चॉइस ही लगता है, बड़ी जल्दी आपने बता दिया। सियासतदानों में फंस गए थे आप थोड़ा। मेरा पहला सीरियल था, मैंने आयजा के साथ काम किया था, और जिस तरह का एटीट्यूड उनका तब था वैसे भी आज भी है। एंड शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट मदर एंड अ ग्रेट वाइफ एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। नहीं शहजाद, एक बात आप बताएंगे छोटी सी। आपने अमेरिका न्यूयॉर्क से आपने एक्टिंग पढ़ी है ना? बिल्कुल। तो वहां से वहां तो बताते हैं ना लाइट्स कैमरा एक्शन, तो जब आप यहां पर आए तो यहां पर एक आवाज आती है लेटा कैमरा एक्शन। लो जी मेरा वीर जी, मैं को रेडी है, ये भुले बेचने वाला नहीं जनाब, की खिदमत में मैं डायरेक्टर हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है हमारा सारा कुछ, हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, हमारे एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है कहीं ना कहीं। मुझे भी बता रहा था कि जब आपको पहली बार तुम्हारे डायरेक्टर बता रहे थे, वो कह रहे थे तुसी इधर आना है, सैम इधर आनी है, वो इधर निकल जानी है, तुसी इग्नोर करें, इग्नोर करें इनको। जावेद साहब की फिल्म्स आपने देखी है तमाम? जी। उनके कुछ को एक्टर्स थे, आप बताइएगा कि जावेद साहब की कौन सी मूवीज और को एक्ट, बतौर को एक्टर आप क्या कौन समझते थे कि उनके साथ बेहतर रहती थी? बाबरा शरीफ है, नीली है, शबनम है, बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेसेस हैं तमाम, पाकिस्तान की बड़े बड़े नाम है ये। जावेद भाई ने काम किया इनके साथ, बहुत बड़े बड़े नाम है। ऑब्वियसली आई थिंक बाबा वुड पेयर अप वेरी नाइस विद नीली एंड माय फेवरेट वाज बाबरा शरीफ। ओके चलें ठीक है, वो कह रहे हैं कि जावेद साहब वैसे वो समझते हैं कि नीली के साथ उनकी पेयरिंग ज्यादा अच्छी थी, बट ये समझते हैं कि बाबरा शरीफ साहब के साथ ज्यादा बेहतर है। कल के मैच पे आते हैं जी, लाहौर कलंदर्स, क्या चांसेस हैं कल? पहले शोएब भाई से पूछते हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं जी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स टफ टीम है जी, कोई चांस है लाहौर कलंदर्स का या नहीं? बात यह है शहजाद की अगर पहुंचना है तो एक बड़ी टीम को मारना ही पड़ेगा, और बड़ी टीम यही है क्वेटा ग्लैडिएटर, और यही वो पहाड़ है जिसको सर करके दूसरी तरफ यकीन जीत मिल सकती है। लेकिन इट्स गोना बी अ वेरी टफ कॉल फॉर लाहौर कलंदर टू मेक इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस गेम, बट आई रियली थिंक दैट यू नो लाहौर कलंदर वो वाइट टीम है जो स्पॉइलर हो सकती है, और जो स्पॉइल बस अब यही रोल रह गया इनका स्पॉइलर तक का। स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर यार अभी पहला स्पॉइलर तो ये होगा ना कि क्लोडा ग्लैडिएटर को मार दें, तो ये तो स्पॉइल हो जाएगी, पार्टी स्पॉइल हो जाएगी सारी। इन्होंने अपने वीडियो प्रोग्राम में ना आके भी बड़ी खिंचाई की, जीत की। अच्छा ये खबर आ गई भाई, वो कह रहे हैं कि अपने वीडियो में जो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि आकिब जावेद की आपने बड़ी खिंचाई की, इसलिए पहला कमेंट ही आज आपका ये था कि कराची किंग्स ने मैनेजमेंट बदली और रिजल्ट्स भी बदल रहे हैं, तो इशारा वही था आज का मतलब आपका। नहीं मुझे अभी आतिफ राणा का फोन आया था, कहते यार आपने बहुत ज्यादा खिंचाई तो नहीं कर दी, क्योंकि हमारे आप हेड कोच है आने वाले अगले साल के। मैंने कहा यार मुबारक हो जी। अच्छा इस खुशी का भाई नहीं ये खबर है, अगर आप बन गए हेड कोच उनके तो आपकी कारकर्दगी आपका करियर एक तरफ, लेकिन किट बड़ी लगानी हमने आपकी, अगर आपकी टीम हारी है याद रखिएगा कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा उस पर। बात सुने मेरी, बात सुने जियो से तो मेरा 20 साल का वास्ता, जियो ने मेरी बड़ी किट उतारी है वैसी, तो आप मुझे कोई नई चीज नहीं बता रहे। लाहौर कलंदर शुड स्पॉइल द पार्टी ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर, मैं अभी भी यकीन रखता हूँ लाहौर कलंदर में बड़ी कैपेसिटी है टूर्नामेंट। आपने एक चीज कभी नहीं बोलनी लाहौर कलंदर के बारे में बात करते हुए कि हमारे आज स्नैक पार्टनर है नॉकआउट, बस ये बता रहा हूँ। देखिए अगर लाहौर कलंदर को ऐसी पिच मिल गई जैसे ये पिच है अली अजमत वाले बगैर कोई सीम मूवमेंट नहीं है, कोई घास नहीं है, इस पिच के बाद बड़े रन होने। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, आपको पता है असली मैंने शेखों वाली बात तो बताई नहीं। क्या मैंने सुना है ये अच्छा खाना खा लेना, दो दिन वॉशरूम नहीं जाते कि दोबारा भूखना लग जाए। मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पेस अटैक बहुत अच्छा है, हसनैन है, नसीम शाह है, बेन कटिंग, उनके ऑफ कटर्स बड़े जबरदस्त है, फिर लेफ्ट आर्म नवाज है, तो
स्ट्रगल कर रही है इस वक्त लाहौर की बैटिंग? नहीं, बैट लाहौर जो है उसको बड़ा लंबा गैप मिल गया, उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले। एक तो ये भी पीसीबी को नेक्स्ट टाइम सही करना चाहिए कि जो पहला राउंड खत्म हो तो हर एक के 5-5 मैच हो, हर एक साथ एक दूसरे के साथ खेले। मगर ये कि पहली दफा बहुत अरसे के बाद टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा हमारे यहाँ, क्योंकि अब ज्यादा मैचेस लाहौर में होंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, बैलेंस नहीं हो, ऐसा नहीं होता। उमन ये होता है कि हर एक को 5-5 खेल लिए ताकि फिर राउंड खत्म हो गया पहला, दूसरा राउंड शुरू। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। चले मान लेते, मैं शायद अफरीदी में आपने काम किया था ना इनके साथ। हाँ, आपने एक रोल किया था उसमें नागिन का, याद है? नहीं, मैंने चिकन रोल का किया था। मैं शायद अफरीदी में, हाँ, योर पिक लाहौर कलंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मेरे ख्याल से ये लाहौर कलंदर कोई ना कोई। अच्छा, वो मेरी दिखू भाई आ गए, वो दिखू भाई। ओ यार, इसके पैसे आज तक नहीं मिले यार। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की होगी आपने। अरे हिट था मैं, नागन था ना मैं। नहीं, वो आपके साथ भी शेर बैठे हुए थे ना पहले कहा था मिलने का। चले, सो योर पिक इज लाहौर और क्वेटा। नहीं, मेरे ख्याल से लाहौर को अपसेट करना चाहिए किसी ना एक। होप ही दिला रहे हैं कि बताए ना कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। राणा साहब हमारे दोस्त हैं बेचारे, बहुत फंसे हैं। दोनों आप लाहौर की तरफ है जी। शहजाद शेख साहब, आपको क्या लगता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स? Well, I would want Lahore to win, but लगता है ऐसे कि Quetta Gladiators जीते। Quetta Gladiators, इनका दिमाग कह रहा है कि Quetta Gladiators जीतेगा। दिल सबका ही चाहता है कि लाहौर जीतेगा। आप उम्मीद करते हैं कि लाहौर कल अच्छा परफॉर्म करे। अगर लाहौर ये मैच जीतता है तो ये जो सारा PSL 5 है ये इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ जाएगा। सुना दें, जल्दी से सुना दें, जाते जाते साइन ऑफ करें। अली भाई ने अगर सुन लिया ना, बड़ा मार रहे हैं उन्होंने आपको। अली भाई ने वैसे ही मार रहे हैं, छोटे हैं।